को नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में परमाणु। परमाणु के बारे में कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो रेलवे, एसएससी, डिफेंस, पीसीएस इत्यादि एग्जामों में काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक परमाणु। तो परमाणु है जो तत्व का सबसे ही सूक्ष्मतम कण है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तत्व क्या होता है। तो तत्व उसे कहा जाता है जो एक ही तरह के परमाणु के बने होते हैं। जैसे यदि आप बोल रहे हैं ऑक्सीजन, टोटल ऐसे तत्वों की संख्या यदि पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो टोटल उसकी कुल संख्या है जो 118 है। और तत्व किसे कहा जाता है तो आपको भी बताएं कि एक ही तरह के परमाणु का बना होगा। तो एक तत्व लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो तत्व है इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो मात्र ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे, किन्हीं अन्य के परमाणु नहीं होंगे। तो परमाणु है जो तत्व का सबसे ही छोटा कण होता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु का दूसरा प्रॉपर्टी है क्या, अस्थाई होता है। परमाणु है जो अस्थाई गुण वाला होता है। और अस्थाई गुण होने के पीछे कारण क्या है कि आप देखते होंगे कि एक आपका तत्व हो गया, एक परमाणु है, और उस परमाणु के बीच में है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि उसके चारों ओर, ठीक है ना, जो वृत्ताकार अक्ष में है जो इलेक्ट्रॉन है जो मूवमेंट करते रहता है, गति करते रहता है या चक्कर काटते रहता है। यदि आप ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है जो 8 होता है। तो जो 72 कक्षा में पहला जो कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसकी जो बाह कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और 6 इलेक्ट्रॉन पाने के चलते यह है जो अपने आप को अस्थाई रखता है, क्योंकि कोई भी परमाणु चाहता है कि हम अपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, 72 कक्षा है, उसे फुलफिल कर लें, उसे पूरा के पूरा कर लें। और इसी के चक्कर में इसे 6 से 8 बनाने के चक्कर के चलते परमाणु को क्या बोल दिया जाता है, अस्थाई बोल दिया जाता है। जबकि अगला जो आपका प्रॉपर्टी है परमाणु का वो उदासीन पाया जाता है। परमाणु है जो उदासीन होता है, और उदासीन होने के पीछे कारण क्या है कि परमाणु में है जो चार्ज होते हैं वो 2 प्रकार का चार्ज होते हैं। एक चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज और दूसरा चार्ज हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जो प्रोटॉन पे होते हैं। और इसके चलते आप कह सकते हैं कि परमाणु है जो उदासीन होते हैं। उसके बाद देखते हैं परमाणु के आकार। यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि परमाणु का आकार क्या होता है, तो जैसा कि पिक्चर में तस्वीर में दिख रहा है कि परमाणु लगभग गोलाकार होता है, और उसका यदि त्रिज्या देखिएगा तो त्रिज्या हो जाता है 10^-10 मीटर, ठीक है। और इसे 10^-10 मीटर को 1 एंगस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम है जो कहा जाता है। बार बार एग्जाम में आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ देता है कि 10^-10 मीटर बराबर क्या होता है, एक फर्मी होता है, एक एंगस्ट्रम होता है, तो 1 एंगस्ट्रम होता है। अब थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक जानकारी दिए थे वो दिए थे जॉन डाल्टन, ठीक है। मतलब परमाणु के बारे में कुछ बताए थे कि परमाणु अविभाज्य होता है। तो जॉन डाल्टन का नाम याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। और ये जॉन डाल्टन है जो परमाणु सिद्धांत के जनक माने जाते हैं या जन्मदाता माने जाते हैं। और उन्होंने उस समय कहा था कि परमाणु है जो अविभाज्य है, परमाणु को अन्य खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता है। बाद में रदरफोर्ड आते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड बताते हैं कि नहीं परमाणु को बांटा जा सकता है, उसे खंड में बांटा जा सकता है, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने उस समय में जो परमाणु के कुछ मौलिक कण में बांटे थे, और वो मौलिक कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब जॉन डाल्टन का ही बात को इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु का एक तरह से नाभिक होता है उसमें द्रव्यमान है जो सबसे ज्यादा होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि कक्षा जो रहता है जो कि एक प्रकार से नाभिक का चक्कर लगाता है उसमें इलेक्ट्रॉन है जो पाया जाता है। तो नाभिक का भी जानकारी है जो रदरफोर्ड ने ही सर्वप्रथम दिया था।
और यदि नाभिक का त्रिज्या का बात किया जाए तो नाभिक का त्रिज्या होता है 10^-15 मीटर और इसे आप एक फर्मी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब नाभिक का यदि त्रिज्या पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 10^-15 मीटर और बराबर 1 फर्मी, ठीक है। यदि आकार का तुलना किया जाए परमाणु के आकार से नाभिक का आकार का तुलना किया जाए तो परमाणु के आकार है जो नाभिक से 10^-5 गुना है जो छोटा है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि परमाणु का आकार है जो अपने नाभिक के आकार से 10^-5 गुना बड़ा होता है। थैंक यू फ्रेंड।